तेजस्वी यादव ने बिहार में सातवें चरण के चुनाव के पहले एक नया चुनावी सिगुफा छोड़ दिया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 4 जून को नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया कि 4 तारीख को, आने वाले 4 जून को, जिस दिन फैसला आने वाला है चुनाव का, उस दिन नीतीश कुमार भी बड़ा फैसला लेंगे। इशारों में तेजस्वी यादव ने जो बातें कही उसका असर दूर तलक गया। तेजस्वी यादव की बातों का जवाब चिराग पासवान ने कुछ इस अंदाज में दिया। चिराग पासवान ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं, सुनिए आप। उनके बाद स्थिति बदलेगी और नीतीश कुमार पिछड़ा राजनीति बचाने के लिए और अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई बड़ा खेला करेंगे या कदम उठा रहे हैं? मतलब आप अपनी हार से इतना ज्यादा डर गए हैं कि मुख्यमंत्री जी का नाम लिए बिना अब आपको पता है कि जो शर्मनाक हार आप लोगों की होने वाली है, ऐसे में बार बार इस बात को कहना, कहीं ना कहीं आप वोटर्स को आप इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं ना, कि आखिरी चरण के मतदान में वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए, ये कहकर कि भैया चुनाव के बाद तो इधर आएंगे ही। जब मेरे मुख्यमंत्री बार बार डंके की चोट पर इस बात को कह चुके हैं कि अब इन लोगों के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है, उसके बाद इन बातों का या मेरे मुख्यमंत्री जी के नाम का गलत इस्तेमाल करना कहाँ तक उचित है भाई? अगर आपको अपनी रणनीति पर विश्वास नहीं है, अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं है कि जो कैंपेन आप लोगों ने किया है जनता उस कैंपेन में आपका साथ देगी, उसके लिए आप लोगों को भ्रमित करने की सोच के साथ मेरे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, ये भी बात जनता पूरी तरीके से समझती है। आप लाख बोल लीजिए चुनाव के बाद ये होगा, चुनाव के बाद वो होगा, कुछ नहीं होगा। चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव होगा और उसमें भी एनडीए की सरकार आएगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। तो सुना आपने कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि अपनी हार से इतना ज्यादा डर गए हैं कि मुख्यमंत्री का बिना नाम लिए आप जो है कह रहे हैं उनका सहारा ले रहे हैं और वोटरों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। चिराग पासवान ने ये बड़ी बात कही तेजस्वी यादव को कि नीतीश कुमार का नाम लेकर कि वो हमारे साथ आ जाएंगे 4 तारीख को, अंतिम दौर में वो वोटरों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी हार से डरे हुए हैं। तो इस पर पलटवार किया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने पलटवार किया चिराग के बयान पर और कहा कि चिराग पासवान ने पर कहा कि हमने कभी भरमाने का प्रयास नहीं किया, हम सच बात बोलते हैं, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो तेजस्वी ने क्या कुछ कहा वो बयान भी सुन लीजिए आप। बड़ा फैसला लेंगे ये, जिस पर चिराग पासवान ने कहा है कि जनता को भरमाने के लिए तेजस्वी जी ये सब बयान दे रहे हैं। हम इसे कभी भरमाए हैं? हम तो सच बात बोलते हैं, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। खैर छोड़िए, भरमाने वाली बात तो कौन क्या कर रहा था वो तो पता ही है, इसके बारे में क्या बोला जाए। लेकिन पिछड़ों की राजनीति को बचाने के लिए, अपने दल को बचाने के लिए नीतीश जी कोई बड़ा फैसला लेंगे, ज़रूर लेंगे। हर कोई चिराग पासवान तो है नहीं कि पार्टी ख़त्म कर देंगे, लड़वा देंगे, बाबूजी का मूर्ति फेंकवा देंगे तो भी वहाँ हनुमान बन के रहें, है ना? हर कोई चिराग पासवान नहीं ना है। तो सुना आपने कि तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं, चिराग पासवान पर बरस पड़े और कहा कि हम चिराग पासवान, हर कोई चिराग पासवान तो है नहीं कि जो अपनी पार्टी को ख़त्म करवा ले, बाबूजी की मूर्ति कैंपस से फेंकवा दे और फिर भी हनुमान बन के पड़ा रहे। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान पर पलटवार किया। ये तो बात हो गई कल की। जी हाँ, कल ये बड़ा बयान आया जिसमें आमने सामने आ गए तेजस्वी और चिराग पासवान और अब इस पर बीजेपी नेताओं ने दनादन पलटवार शुरू कर दिया है तेजस्वी यादव पर। बीजेपी नेता डॉक्टर संजय जायसवाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके अलावा नवल किशोर यादव जो बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, इन दोनों का बयान भी सुन लीजिए आप। तेजस्वी यादव उन्होंने कह रहे हैं कि 4 जून के बाद
बात है, वो चाचा नीतीश कुमार बता रहे हैं कि बड़ा फैसला लेने वाले से ले सकते हैं। 4 जून के बाद तेजस्वी जी भारत रहेंगे कि छुट्टी मनाने सिंगापुर जाएंगे कि इटली जाएंगे, तेजस्वी जी अपनी चिंता करें, लेकिन जो स्थिति है उसके बाद उनको सचमुच में अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी 4 जून का रिजल्ट। ये सरकार वो कह रहे हैं कि 4 जून को जो फैसला आएगा उसके बाद नीतीश चाचा जी फिर से कुछ विचार बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा निर्णय लेने के सोचते हैं। 4 तारीख के बाद जब EVM खुलेगा, रिजल्ट आएगा, तो ये कहाँ बिल में ढूकेंगे, न इनको चाचा पर नज़र रहेगा, न चाचा को भतीजा पर नज़र रहेगा, ये चारों खाने चीत हो जाएंगे और चले जाएंगे कहीं घूमने के लिए, बिल में ढूके रहेंगे। आप तमाम मीडिया वाले घूमते रहेंगे, खोजते रहेंगे, कहीं मिलने वाला नहीं है, और बिहार का 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और LI जीत के चली जाएंगे। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है डॉक्टर संजय जायसवाल का कि PM मोदी गरीबों के मसीहा हैं और जो सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं वह बकवास वक्तव्य दे सकते हैं, ये कुछ कह रहे हैं। उसके अलावा जो नवल किशोर यादव हैं कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा तो ईडी गठबंधन के नेता जो हैं बिल में छुप जाएंगे, न इनकी नज़र चाचा पर रहेगी और न भतीजा पर, सब सारों खाने चित हो जाएंगे, ये कह रहे हैं नवल किशोर यादव। यानी 4 तारीख वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है, तेजस्वी यादव ने एक नया सियासी सिकुपा छोड़ दिया है और इसे लेकर लोग अपनी अपनी तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो बात कही है 4 तारीख वाली बात कही है उसका जो असर दिख रहा है, और तमाम नेता हालांकि इस पर जो है तेजस्वी यादव पर पलटवार करते नज़र आ रहे हैं। और अब आगे आगे देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अब आखिरी चरण का वोट बाकी है और चुनाव प्रचार में महज 1 दिन का वक्त और बाकी है। अगर आज के बाद बात करें तो 30 तारीख तक चुनाव प्रचार होंगे, 1 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 4 तारीख को पूरा नतीजा सामने आ जाएगा। तो 4 तारीख को क्या होगा देख लेते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।